ठीक है ना भाई, हम लोगों ने अब तक खत्म कर दिया nth टर्म खत्म कर दिया ना, मतलब इस वाले फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन आपने कर लिया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ना इस फॉर्मूले पर बेस कुछ अच्छे क्वेश्चन और भी आते हैं जो तुम्हारे इनिशिएटिव नहीं है ना, उस क्वेश्चन को मैं सपोर्टिंग मटेरियल से लेकर आता हूँ, ठीक है। चलो खोलते हैं, आ जाओ। तुम देख रहे हो क्वेश्चन को, देख देख के ना तुम्हारे हवा के हवा निकल जाएगी। तुम हो गया ऐसे क्वेश्चन है, तुमने कर लिया एनसीईआरटी, उसके बाद भी तुम्हें क्वेश्चन नहीं लेके तुम पे। देखो नहीं तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है, शॉर्ट आंसर टाइप है फर्स्ट, बस रही बताओ। देखो कह रहा है एज 144, मतलब एज 144 और टर्म ऑफ एपी इतना, क्या 144 इस एपी का कोई टर्म है? ये तुम्हें करना आता है, ऐसा क्वेश्चन था बुक में, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, ये तो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में था, छोड़ दो इसको। विच टर्म ऑफ एपी इतना विल बी 130 मोर देन 31st, तुम लोग हाँ यहाँ आ जाओ, तुम सिंपल यहाँ आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 एंड 200, एक और 200 से लेकर के, सॉरी एक से लेकर 200 के बीच में जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तुम्हें क्या करना है, वो उनका सम फाइंड करना है। क्या करना है? सम तो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं ना, इसीलिए मैं पहले इस पे नहीं आ रहा था। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है, अगला अभी हम सम वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम अभी अगर कर दोगे, तुम्हारी एपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आ गया क्वेश्चन ये रहा। ए देखो क्वेश्चन, देखो बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो अरे इधर देखो फटाफट से, क्वेश्चन कह रहा है इफ 4m+8, 4m देखो 4m+8, एक तो ये टर्म है, 2m² + 3m+6 ये भी एक टर्म है ना, और एक मेरे पास वो टर्म ये है 3m² + 4m+4, ये तीन टर्म है कंसेक्यूटिव, मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, और ये टर्म किसके एपी के हैं, किसके हैं, तो बताओ एम पी वैल्यू कितनी होगी। भाई साहब तुम में से कोई नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, अगर कर दोगे ना तुम जो कहोगे वो पार्टी खिलाऊंगा। क्या निकालोगे? ये हमारे पास तीन टर्म है और तीनों किसमें है, एपी में है। अगर एपी में है तो बताओ एमपी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ऐसे क्वेश्चन बुक में कहीं नहीं था ना, लेकिन पेपर में यूपी सॉरी सीबीएसई बोर्ड में भाई साहब डालता है क्वेश्चन ऐसा, घेर देगा तीन टर्म कोई सा भी, उसमें एक्स वाई होंगे कुछ ना कुछ, तुमसे बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सुनो अगर मान लो कोई तीन टर्म एपी में हुआ, मान लो ए वन हुआ, ए टू हुआ, ए थ्री हुआ, तो हम क्या जानते हैं कि ए टू माइनस ए वन की वैल्यू जो आएगी वही तो ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये डी होता है ना, तो डी तो सेम रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं। जहां क्वेश्चन दिखे ऐसा ठोक देना, ए वन माइनस ए टू इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी, है ना। तो अब देखो ये मैं कुछ हाँ, तो दूसरे टर्म में से पहले करो माइनस, तो वही आएगा जो तीसरे में से दो करना होगा माइनस, है ना। तो यही हमें करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। अब देखो मैंने ये तो मैंने लिखा था कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर लाए क्वेश्चन। देखो बताओ ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म ये है, तो 2m² + 3m+6 में से माइनस करना होगा, है ना, इसको 4m+8 को, तो जो इसको माइनस करने पर आएगा वही इसको भी करने पर आएगा। देखो इधर इक्वल टू लगा दो, है ना, ये थर्ड टर्म नहीं है, 3m² + 4m+4 इसमें से माइनस करना होगा इस टर्म को, हाँ, तो 2m² + 3m+6 है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना। देखो 2m² तो यहां से लिखते हैं, इक्वल नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन में, इक्वल नहीं आते, बीच में आते इक्वल। देखो 2m² + 3m+6 - 4m हो गया, माइनस, हाँ वो गलती हो गई,
माइनस 8 है ना इक्वल टू, अब देखो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी तुम करो ही करो, जो सपोर्टिंग मैटर है ना उसे कर लो, तुम्हारी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, साइंस भी नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी हमारी है। मैं फिर कह रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं घेरता, तुमने देखो यूपी बोर्ड भी अब नहीं घेरता क्योंकि यूपी में सरकार जिसकी है उसी की दिल्ली में भी है, मतलब कि सेंटर में। सीबीएसई मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंटर मतलब होता है जिसकी सरकार भारत में है, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट की है और वही गवर्नमेंट वहां भी है और वही गवर्नमेंट यूपी में भी है ना, तो सेम चीज है, तो पेपर जो है उनका भी सेम आएगा। क्या था बताना, सारा मिट गया यार, देखो क्वेश्चन वापस से लाना पड़ेगा है ना। क्वेश्चन लाना पड़ेगा वापस से, देखो यहां तक हमने कर लिया है ना, ये क्या कर लिया, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस करो इंटू करो माइनस से पूरे में, ये बन जाएगा ठीक है ना। अब सिंपल से देखो ये 2m स्क्वायर है ना यहाँ, ये कौन सा है प्लस का, ये कौन सा है माइनस, खत्म हो गया दोनों। 3m प्लस का देखो, 3m किसका है माइनस का, कितना सिंपल हो गया ये, ये 6 माइनस का है और ये 6 किसका है प्लस, खत्म हो गया। यहाँ बचा माइनस 4m प्लस माइनस 8 और यहाँ क्या बचा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 है ना। देखो सॉल्व करो, 3m स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, यहाँ 4m देखो पहले से ही है ना, इस 4m को तो ले आएंगे तो प्लस 4m हो जाएगा, यहाँ पर कितना है प्लस 4 है, इस 8 को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 8, यहाँ क्या बचा 0, क्या बचा 0। सॉल्व करो 3m स्क्वायर प्लस 4 8m हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0, देखो क्वाड्रेटिक बन गया ना, बन गया, मैं तुमसे कह रहा था क्वाड्रेटिक बनेगा ये। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया है, हाँ भाई इंटू करने पर तो आना चाहिए 3 इंटू 12 36 और 8 आना चाहिए, हाँ नंबर सोचो 36 36 बताओ, हाँ यहाँ पर 9 आना चाहिए ना, वैसे अगर 9 होता तो इजीली हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस का आ रहा है तो इनटू करने पर ही प्लस का आना चाहिए, 36 आना चाहिए, तो कहीं गलत नहीं हुआ तो हमारा 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 ठीक है, खत्म हो गया हमारा माइनस 4 है माइनस 8 ठीक है ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, 4 4 8 हो गया 3m स्क्वायर प्लस 4m, हाँ इसको ही रहने दो है ना, ये हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, तो सुनो ये तुम्हारा हो गया सब कैंसिल आउट हो गया ना, तुम्हारा 3m स्क्वायर पहले से ही है ये सही है, ये तुम्हारा कैंसिल आउट, ये बचा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 ये रहा है ना, है कि नहीं यहाँ तक, हाँ तो ये वहां गया ना प्लस कर दिया 8 गया तो प्लस में 0 हो गया। आप इसको सॉल्व करो, कुछ भी वैल्यू आ सकता है प्लस माइनस, जरूरी तो थोड़ा कि तुम्हारा अपॉन में नहीं आएगा, आ सकता है अपॉन में, ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 8, सी कितना हो गया 12, लगाओ फॉर्मूला, अरे क्वाड्रेटिक लगाओ ना फॉर्मूला, एम इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी नहीं होता है अपॉन 2 ए, फॉर्मूला लगाओ करो सॉल्व क्वाड्रेटिक को, देखो बी कितना है माइनस 8 प्लस माइनस कितना हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए कितना है बताओ, ए हमारे पास 3 है सी हमारे पास 12 है अपॉन में 2 इंटू कितना आ रहा है 2 इंटू 3 आ रहा है, सुनो ये गलत है ये पक्का ये गलती हो गई, तभी कहो गलत क्यों आ रहा है, ये कटेगा नहीं भाई, ये गलत कर दिया
ये नहीं कटेगा ना ये, अरे इक्वल में था, हमको लगा प्लस में। 2000 लाओ, 2m स्क्वायर पहले सही है, 2m स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस कर दो तो माइनस डेल्स करना है, 2m स्क्वायर हो गया, देखो 3 में 2 हो गया तो 1 बचा, तो माइनस m स्क्वायर हो गया, 3m पहले सही है, माइनस का m कर दो ना, देखो 3m और 4m तो माइनस का m बचेगा, हाँ वो गलती हो गई थी, माइनस का 2 बचा, ये हमारा सॉल्व हो गया ना m स्क्वायर, 4 और 3 तो माइनस का, माइनस का m करना पड़ेगा ना, इधर लाएंगे तो हाँ तो 4 बचा, देखो 4 है ना, प्लस का 2, वेरी गुड, यहाँ क्या बचा 0, अब सॉल्व करो, अब सॉल्व हो जाएगा इजीली, यहाँ बचेगा m स्क्वायर, वो भाई मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान, यहाँ माइनस 2m बचेगा, 5m बचेगा माइनस को, 5 क्यों, 2 माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो गया, ये 6 था ना, 6 में से गया कौन, 8 माइनस 2 बचा, और यहां सर ठीक है ओके बिल्कुल, अब 2 माइनस का तरह प्लस हो जाएगा खत्म, m कॉमन लेंगे यहां से तो m माइनस 2 बचेगा 0, m इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हो गई m की ना, एक हो जाएगी क्या 2, एक्यूरेट करेक्ट, ठीक है बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन ना तुमको करना है जी ना, नहीं नहीं वो गलती किसी को हो सकती है ना, हमने अपना पूरा सवाल काट दिया, नहीं सवाल मत काटो से, ठीक है ना, करो कॉपी करो बराबर से, आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन तो बढ़िया है ना, और क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा अगर तुमको ना ऐसे क्वेश्चन देंगे ना, ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत देखो, सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है लेकिन आता है, कर ले, तुम सब सीबीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड में सभी है भैया, मैं यूपी बोर्ड का हूं, वहां भी ऐसे आएगा क्वेश्चन, क्या कह रहे है बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी करनी होगी, अब तो सीख गए करना, हाँ निकालो बराबर से, देखो 3 टर्म है ना इसके अंदर, a1 कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस 2, a2 कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और a3 कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस 5, है कि नहीं है, एपी में है, किसमें, आर इन एपी, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स बताओ कितना होगा एक्स, सॉल्व ट्राई करो एक बार, देखो देखो भाई 3 टर्म है एपी में है, एक्स की फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, सब जानते हैं ना, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये लगाओ कॉन्सेप्ट, a2 कौन है 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसका एलसीएम ले लो फटाफट से, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सॉल्व करो एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर आ जाओ ऐसे ही, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 इंटू करो तो एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5, सॉल्व कर ले इसको हम लोग, अब देखो ध्यान से, एक्स एक्स का कैंसिल आउट हो गया ना, तो माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर, यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2 अपॉन कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x हो जाएगा, ठीक है ना, 5 3 15 आएगा इसमें, समझे आप लोग, इसे करके आया सॉल्व करके इसको, ठीक है ना, ये सब मैं नहीं बता रहा तुमको, खुद ही कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया मैं क्रॉस करके, ठीक है ना, अब करो इसको सॉल्व, क्या गायब हो गया, अच्छा 2 गायब हो गया था, देखो इसको लाओ इधर, तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 5x प्लस 10x तो प्लस का 5x बचेगा, ठीक है ना, माइनस 15 प्लस तो माइनस का 3 आएगा इक्वल टू 0, अब आप यहां से करो सॉल्व, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, बन तो गया क्वाड्रेटिक, सॉल्व करना है बताओ, इनटू करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 3 और प्लस का 5 इंच क्या करने पर, ऐड करने पर, कभी ऐसा हो सकता है क्या, मेरे को तो लगता नहीं, कहीं हो गया गलती, 3 2 5x 2 6 ठीक है, 5 3 15 5 2 3 8 देखो, अरे सुनो यहाँ पर 8 आएगा, देखो ये 5 है ना और 3 8 होता है,
तो यहां पर हमें 8 करना था, 8 है ना। अब ठीक आएगा ये देखो, तो 8x यहां पर था, 8x गया इधर माइनस है ना फिलहाल, तो यहां इनटू भी होगा इसके अंदर, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 होगा, कितना होगा तो 5 गया 16 में से, तो क्या बचेगा बताओ। हां 16 इधर लाओ तो 11 बचेगा, और ये 15 है, ये माइनस में 15 माइनस 15 ठीक है, तो है माइनस 12 3 2 जा 6 आएगा इधर, अच्छा यहाँ पर 8 था, हाँ ये 8x है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब इनटू करने पर 3 और प्लस माइनस करने पर 8, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है ना, 3 कैसे आ रही है, गलती कहाँ हो गई। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 x प्लस 2 आएगा ना, स्किन टू करिए हमने इधर x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 3 ठीक है, हाँ देखो देखो x खत्म हो गया प्लस, अरे सुनो माइनस 1 आ गया खत्म हो गया माइनस का 2 ठीक है, देखो x इंटू एक्स थ्रू एक्स स्क्वायर आएगा 3 2 5 आएगा, अरे यहाँ 5 नहीं आएगा तो नेट क्यों लिखवा दिया गधों, और ये 3 2 6 ये ठीक था बिल्कुल, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया इधर 3 5 कितना होगा 8x 15 हो गया ठीक है। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है, अरे ये देखो करो मल्टीप्लाई क्रॉस, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ 10 आएगा 16 को लिखवाया तुमने यहाँ पर मेरे को, 10 आएगा ना इधर, इधर गया 10 और फिर 12 ठीक है, 10 इधर लाओ तो कितना आएगा प्लस 2 नहीं आएगा और कितना माइनस 3, अब ठीक है अब कितना है पता उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, कॉमन करो x, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन करोगे यहां से तो x माइनस 3 प्लस 3 सॉरी इक्वल टू कितना है इधर बताओ 0, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, बताओ x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, एक तो x वैल्यू आई 1 और माइनस 3, ऐसे करते हैं सॉल्व एपी वाले क्वेश्चन को ठीक है ना, तुम घबरा जाओगे, दो इसमें क्या क्या लग गया, इसमें एपी भी लग गया क्वाड्रेटिक भी लग गया, लगे ना, तो दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक साथ दे देते हैं और उसी क्वेश्चन को तुमसे देंगे वो 3 नंबर में 2 नंबर में है कि नहीं, तो ऐसे ना दोनों चैप्टरों का कॉन्सेप्ट बच्चों से जान लेता है, कोई कहता मुझे एपी आता है ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, अब उसे एपी तब आएगा जब उसको क्वाड्रेटिक आएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व, छप गया दिख नहीं रहा, कर कॉपी, नमस्ते ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करना घर पे ट्राई अपने आप, मिलते हैं अगली क्लास में।